सीरियल अनुपमा में अनुज को होश आते ही होगा बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वनराज को होश जरूर आता है, लेकिन वो टूटा फूटा सच ही वनराज बताते नजर आता है कि उसने धक्का नहीं दिया था, जबकि अनुपमा यहाँ पर गलती से ये सुन लेती कि उसने धक्का दिया था, जबकि वनराज ये कहना चाहता है कि उसने उसे बचाने की कोशिश की थी और इसीलिए वो नीचे दोनों ही खाई में गिर गए, जबकि इसके पीछे जो रीजन है वो बरका है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आएगा वो मोड़ जहाँ पर अनराज तो आधा अधूरा सच बताता है, लेकिन अब अनुज की सर्जरी होगी और इस सर्जरी के बाद में थोड़ी देर के लिए अनुज को जरूर होश आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि अनुज को होश आएगा और वो लेटर पे कुछ ऐसा लिख देता है जो कि अनुपमा के होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वनराज तो आधा अधूरा सच बताता है और सबको गलतफहमी हो जाती है और बाघ को लगता है कि शायद उसी ने धक्का दिया है और यहाँ पर समर भी सारी सच्चाई सुन लेता है, लेकिन बा अब उसके सामने भीख मांगते नजर आएंगी कि तुम्हें यह सच किसी को नहीं बताना है और वो वनराज के इस सच को अनुपमा छुपा जाती है। लेकिन जब अनुज को होश आता है तो वो बहुत बड़ा खुलासा करते नजर आएगा और वो खुलासा होगा कि वनराज ने नहीं बरखा ने रची थी साजिश। जी हाँ दोस्तों, वनराज की वजह से नहीं बरखा की वजह से वो नीचे खाई में गिर गया था और ये सब कुछ बरखा ने ही घटिया साजिश का नतीजा है। देखने को मिलने वाला है कि अब अनुपमा और यहाँ पर उसको ये सब लेटर जब अनुपमा को मिलेगा तो अनुपमा की होश उड़ जाएंगे और अनुपमा फिर उसके बाद में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते नजर आएंगी और पूरे परिवार से अनुज को और छोटी अनु को दूर कर देगी। तो यहाँ पर अनुपमा बहुत बड़ा फैसला लेते नजर आएंगी और देखने को मिलने वाला है काफी कुछ तमाशा।